वट वृक्ष की जीवन यात्रा प्रारंभ होती है एक छोटे से बीज के उचित भूमि में वपन से। ऐसे ही शिक्षा की भूमि पर एक बीज का वपन किया गया था सन 2016 में। वह नन्हा बीज अब एक पौधे का रूप लेकर सन्मति किड्स के नाम से फलने फूलने लगा है। वर्तमान में सन्मति किड्स परिवार की 3 शाखाओं में 1000 से भी अधिक छात्र छात्राएं प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2017 में सन्मति किड्स परिवार द्वारा अपनी तीसरी शाखा 40 छात्रों के साथ ग्राम पटेरा में प्रारंभ की गई थी, जिसमें कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वर्तमान में लगभग 300 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इस विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना, बच्चों को मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत करना, उनमें देश प्रेम और समानता की भावना को जागृत कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है। हमारा स्कूल खोलने का उद्देश्य ये है कि गांव और कस्बे के बच्चों को इस योग्य बनाना चाहते हैं कि जब वो शहर जाए तो किसी से कम या कमजोर ना समझे। हमारी शिक्षा की अवधारणा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं, शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों के सर्वांगीण विकास पर निरंतर ध्यान देते हैं। हमने इस तरह की शिक्षा का स्वप्न देखा है जिससे सभी के स्वप्न साकार किए जा सके। स्कूल की शिक्षिका हूँ मैं, अपने आप में बड़ी ही खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना सुंदर शपथ इस प्यारे से स्कूल ने दिया है। यहाँ पर हम अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं, घर की तरह, जैसे हमारे घर में एक परिवार होता है वैसे हमारा यहाँ का स्टाफ है जो हमें और हम इन सबके साथ मिलकर खुशियाँ बांटते रहते हैं। यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यही सब सीखें, हम हमारे जैसा मिलजुल कर सबके साथ रहें, यही खुशियाँ बांटें। यही हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि वो उन्नति करें, किसी न किसी पद पर आसीन। वास्तविक शिक्षा वही है जिसमें छात्रों का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास भी हो सके, क्योंकि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं अपितु शिक्षा ही जीवन है। व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब शिक्षा के माध्यम से चारित्रिक विकास हो, संस्कारों का बीजारोपण भी हो, साथ ही बच्चे के समाज उत्थान के कार्यों के लिए प्रेरित हो। विद्यालय में विभिन्न साधनों का अभाव होते हुए भी हम विद्यार्थियों को लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट के साथ प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। जब बच्चे विद्यालय में प्रारंभ करते हैं स्कूल आने में, तो यहाँ शिक्षक बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है और जो लेसन वो हमें समझाते हैं वो एक्टिविटी द्वारा भी करके बताते। एजुकेशन देने के कई तरीके होते हैं, हर स्कूल अलग अलग तरीकों फॉलो भी करता है। हमारे स्कूल में 2 वे का लर्निंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और हमारे टीचर्स भी इसको फॉलो अच्छे से करते हैं। पहला तरीका सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड पे बच्चे को लिखवाया जाता है, फिर बच्चे उसको नोट करते हैं और फिर उसका याद कराया जाता है। ये तरीका बहुत सालों से चल रहा है और अभी चलता भी जा रहा है, ये इफ़ेक्टिव है लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारे टीचर्स द्वारा कोई भी लेसन होता है उसको सिर्फ क्लास में ही नहीं समझाया जाता है, उसे प्रैक्टिकली प्ले ग्राउंड में एक्टिविटी के द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि किसी भी लेसन का प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा मिलता है और बच्चे उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाते हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इसमें हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे स्कूल के सर और हम सभी टीचर्स ने और भी कोशिश की है कि वो अपने जो एजुकेशन देने का जो तरीका है उसको और डेवलप करें। इसमें साइंटिफिक जो भी तरीके हैं, जो भी नई नई पद्धतियाँ चल रही हैं, उसको ऐड करने के बारे हमने सोचा, उसके विषय में और हम लोग काम भी कर रहे हैं। कुछ मैथ में कुछ समझ में नहीं आते हैं तो हमें बाहर ले जाके एक्टिविटी में समझा दिया जाता है, उससे हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आता है और हमें अच्छा भी लगता है। प्रत्येक छात्र प्रतिभाशाली होता है, आवश्यकता होती है उसकी प्रतिभा पहचान कर उसे सही दिशा देने की। अतः इस विद्यालय के छात्र पाठ्य विषयों के अध्ययन के साथ साथ कंप्यूटर, खेलकूद, योग तथा विभिन्न ललित कलाओं को भी सीख रहे हैं। शिक्षण के साथ साथ में हम विद्यार्थियों के उनकी रुचियों के आधार पर विभिन्न विधाओं की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, जिनमें
संगीत, नृत्य, चित्रकला, वादन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, योग, खेलकूद की शिक्षा भी बच्चों को प्रदान की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के जो लॉजिकल थिंकिंग है उसके विकास के साथ साथ में उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो राइट ब्रेन है, उसका भी डेवलपमेंट पूर्ण रूप से हो सके। सामान्यतः जब छोटे बच्चे विद्यालय आना प्रारंभ करते हैं तो वे बहुत ही असहज अनुभव करते हैं, परंतु विद्यालय के अनुभवी एवं सपोर्टिव स्टाफ के कारण वे शीघ्र ही विद्यालय में अपने घर जैसा अनुभव करने लगते हैं। माय नेम इज अक्षरा स्वामी, आई स्टडी इन क्लास 4। मुझे इस स्कूल में आए कुछ दिन हुए हैं। यहाँ के टीचर्स मुझे बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। यदि मैं स्कूल में पहले आ जाती तो मुझे और अच्छी शिक्षा। देव सोनी का पिता हूँ। मैंने जब से सनमति स्कूल में इस बच्चे को पढ़ाया है तो मुझे यह लग रहा है कि यहाँ पर जो टीचर हैं वो काफ़ी सपोर्टिंग टीचर हैं। बच्चे को जिस तरह से उनको समझाना होता है वो उस तरीके से उस बच्चे को समझाते हैं। अलग अलग बच्चों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। मुझे लगा कि उसको अपने जिस हिसाब से वो बच्चे होते हैं उसी हिसाब से हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो उस तरीके से उस बच्चे को समझाते हैं, प्रेम से, प्यार से। संस्कार भी होते हैं हमारे स्कूल में। और हमारा जो बच्चा अभी जब शुरुआत में आता है तो उनको लगता है कि थोड़ा सा हम स्कूल से घर से स्कूल आए हुए हैं, लेकिन जब यहाँ बच्चों को उस तरीके से कैसे का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो बच्चे अपने घर जैसा अनुभव करने लगते हैं। और बड़ा ही कई स्कूलों में मैंने देखा है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर हमारा बच्चा खुद बोलता है कि हमें स्कूल जाना है। आपको विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अध्ययन एवं अध्यापन के नए नए तरीकों को सीखते हैं और उनके द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया करते हैं। ये स्कूल में बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है, यहाँ जब से मैं आई हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बच्चों से भी मिला है और टीचर्स से भी मिला है। यहाँ के सारे टीचर्स एक परिवार की तरह रहते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ अकेले हैं। जब से मेरा बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है मैं अपने बच्चे की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ। उसकी स्टडी में काफ़ी सुधार है। यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत करते हैं और बच्चे को मतलब अच्छी दिशा में आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ का स्कूल पटेरा के हिसाब से बहुत अच्छा स्कूल है। मुझे इस स्कूल में आए हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन मैंने इतने समय में अपने स्टाफ वालों से, प्रिंसिपल सर से, प्रिंसिपल मैम से बहुत कुछ सीख लिया है। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी सीखा है वो बच्चों को सिखा सकूँ और उन्हें उन्नति की ओर आगे बढ़ा सकूँ। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे कुछ सीखते हैं ना, तो हमें उस जब वो सीख जाते हैं ना तो हमें उससे बहुत खुशी होती है कि वो हमसे कुछ सीख रहे हैं। और मेरा बेटा यहाँ पर सेकंड क्लास में विद्यार्थी है, और स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल का जो स्टाफ है बहुत ही बढ़िया है। मैं अपने बच्चे को पढ़ा कर यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मैंने इस स्कूल को इसी साल ज्वाइन किया है और इस स्कूल में आके मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानती हूँ। मैंने सनमति किड्स स्कूल पिछले साल ही ज्वाइन किया। यहाँ पे हमें बहुत सी संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिला, बहुत सी नई चीज़ें जानने के अवसर मिले हैं। हमारे स्कूल पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो गाँव के बच्चे और कस्बों के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। SKS में आने से पहले मैं पटेरा के एक दूसरे स्कूल में टीचिंग करता था, लेकिन यहाँ के डायरेक्टर श्री अमित जी से प्रभावित होकर मैंने SKS ज्वाइन किया। शिक्षा के बारे में हमारी जो अभी तक की समझ है और हमारी जो आगे की प्लानिंग है उसके अनुसार अभी तक हमने जितना भी कार्य किया है बहुत थोड़ा ही है। यदि हम हमारी प्लानिंग से तुलना करेंगे तो अभी हमने अपनी जो तैयारी है उसका 10 से 15% काम ही किया है। आगामी 5 वर्षों में आप देखेंगे कि विद्यालय की जो शिक्षण पद्धति है, विद्यालय की जो सुविधाएं हैं, किसी इंटरनेशनल विद्यालय से कमतर नहीं रहेंगी। सिर्फ विद्यालय नहीं अपितु सुशिक्षित, संस्कारवान, सकारात्मक एवं स्वस्थ मानसिकता से युक्त व्यक्तियों का परिवार है, जहां आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण पूर्ण निष्ठा के साथ किया जा रहा है।
सन्मति किड्स परिवार आप सभी पालकों का बहुत बहुत आभारी है। आपने हम पर विश्वास कर हमें आपके बच्चों के भविष्य निर्माण में सहायक बनने का अवसर जो प्रदान किया है, धन्यवाद। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। जिस प्रकार रात में तारामंडल तारों की भांति चमकता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर जो बच्चे सुबह सुबह आते हैं सूर्य की उपस्थिति में अपनी लालिमा लिए और यहाँ पर अपने अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके बाद जब वो शाम को यहाँ से जाते हैं तो अपने ज्ञान को समेटे हुए यहाँ से जाते हैं। जब साथ है सन्मति किड्स परिवार तो होंगे आपके बच्चों के सपने साकार।